Hello everyone. So today we want to discuss previous year topic wise questions. Today we want to discuss CAT 2017 to CAT 2021, and today's topic is average. Before I start this, let me tell you that in the description of this video there is a link. Is PDF ko download karne ka link hai. Make sure you try question on your own. Pehle khud se try kar lo, and then watch the recording at the speed of 1.5x or 2x ki speed par dekh lena. एंड मेक श्योर यू वॉच द सोल्यूशन फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, कि सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन जरूर देखना, तुमसे सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ, डेट डजेंट मैटर. जो सॉल्व हो गए हैं उनको थोड़ा फास्ट में देख लो, अगर कोई बेटर अप्रोच है या नया अप्रोच है, मेक श्योर यू नोट डाउन डैट, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकता है ये क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर रिपीट कर जाए, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रिपीट कर जाए, तो तुम उसे जल्दी सॉल्व कर पाओगे. और जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व है उनका तो सोल्यूशन देखना ही देखना है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बिफोर यू स्टार्ट लेट्स सी द ट्रेंड्स. So these are the total 2000, in last 5 years, total 14 question has been asked, and in this slot you can see minimum one or maximum two questions can be seen. यहाँ पर zero था, but one or two questions definitely will be there in the exam. So यहाँ पर देखो कितना, यहाँ पर 22 questions थे ना, यहाँ पर 26 questions थे, पूरे section में 20 out of 22 two questions were there from the average. And also one thing again I am telling, the हर topic में बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आर प्योरली फ्रॉम एवरेज, देर विल नॉट बी एनी अदर कॉन्सेप्ट. ठीक है, आई हैव मेक श्योर माई बेस्ट कि इसमें कोई और क्वेश्चन ना हो, बिकॉज यू नो आई हैव बीन टेलिंग परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, एलिगेशन, मिक्सचर, ये जो तुम्हारे ही अर्थमेटिक के बेसिक्स फॉर्म करते हैं ना, दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक. तो अगर तुम TSD का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रॉफिट लॉस सॉल्व करोगे, SICI सॉल्व करोगे, है ना, वॉट एवर दीज कॉन्सेप्ट यू स्टडी, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, यू विल यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, है ना, रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज होगा, परसेंटेज का, एवरेज के सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे. बट आई हैवंट टेकन दोज क्वेश्चन, मैंने ये क्वेश्चन नहीं लिए हैं. आई हैव टेकन प्योर क्वेश्चन दैट आर ओनली इन्वॉल्व विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेजेस. ठीक है, तो दिस इज द थिंग दैट आई हैव ट्राइड टू मेक इट, है ना. तो सिर्फ इसमें एवरेज के ही क्वेश्चन होंगे, इसमें वो क्वेश्चन नहीं कि किसी भी क्वेश्चन में एवरेज का कॉन्सेप्ट लग रहा है. एंड देर विल बी फ्यू क्वेश्चन जहाँ पे मैं एक एलिगेशन का जो मैथड होता है दैट आई विल बी यूजिंग, सो आई विल जस्ट बिट एक्सप्लेन एंड देन विल स्टार्ट. ओके, सो आई होप एवरी वन नोज दैट एलिगेशन एंड एवरेज बोथ आर द सेम थिंग, जस्ट एलिगेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट एवरेज. सो लेट मी जस्ट शो यू, सपोज देर आर ए क्लास है, क्लास बी है, इसमें स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 30 है, इसमें 40 है ना. यहाँ पर लेट से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेट से 20 है, यहाँ पर लेट से 20 है, तो इनका एवरेज लेट से 35 होगा ना, 35 है. तो ये एलिगेशन में रिप्रेजेंटेशन है, ये तुमने एलिगेशन पढ़ा होगा, आई होप सबको पता होगा, अगर किसी एक आधे को नहीं पता है तो जस्ट सी दिस थिंग, एवरेज और एलिगेशन दोनों सेम थिंग है. ठीक है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन होगा, तो इसको अगर एवरेज में रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे, 30 × 20 + 40 × 20 / 20. तो ये एवरेज पता होगा सबको, दिस इज द एवरेज, है ना, ये वेटेड एवरेज या जो भी बोलो, ये एवरेज निकालने का तरीका, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एलिगेशन. सो ये क्या होता है, ये हमें हेल्प करता है जस्ट सिंप्लीफाई करने में कैलकुलेशन, नथिंग एल्स, बोथ आर द सेम थिंग. सो आई विल बी यूजिंग दिस थिंग जहां जहां पर जरूरत होगी, तो ये ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन एवरेज एलिगेशन का हो जाएगा. ठीक है, तो आई विल बी यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, सो दैट्स व्हाई जस्ट आई एम टेलिंग अ बिट अबाउट कि ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हो. आई होप एवरीथिंग क्लियर. एंड सेकेंड थिंग, आई विल बी यूजिंग एवरेज की, एवरेज की इक्वेशन लिखना, आई होप सबको आता होगा, है ना. जैसे ये एवरेज हुआ, तो ए वेटेड वन, एक टाइप, सेक्शन वन के स्टूडेंट है ना, उनका एवरेज स्कोर सपोज लेट से X1 है, सेक्शन टू के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उनका एवरेज स्कोर A2 है, और ये ओवरऑल एवरेज डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द सेक्शन, है ना. तो ऐसा करके होता है. आई होप ये इक्वेशन सबको लिखना आता है, है ना, क्योंकि अब तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लास्ट स्टेज पे हैं कैट प्रेप के, तो एवरेज इक्वेशन लिखना आता है. सो सारे के सारे कैट के क्वेश्चन तुम्हारे इस एवरेज इक्वेशन से सॉल्व हो जाएंगे. बट होगा क्या कि लिटिल बिट कैलकुलेटिव हो जाएंगे अगर तुम सिर्फ यही इक्वेशन यूज करो. टू सिंप्लीफाई दिस कैलकुलेशन आई विल बी यूजिंग अ अप्रोच दैट इज कॉल्ड डेविएशन अप्रोच. ठीक है, तो अगर तुम्हें डेविएशन अप्रोच नहीं आता है तो डरना नहीं है, है ना, तो डोंट नीड टू वरी अबाउट कि यार ये तो मुझे नहीं आता है, टाइम लगेगा, कोई नहीं, जस्ट यूज द बेसिक जो एवरेज मैंने बताई, इससे सॉल्व करो जैसे तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो. बट जिनको आता है आई विल बी टेलिंग, जिनको नहीं आता है आई विल बी टेलिंग, अगर तुम समझ पाते हो तो डैट्स एंड ग्रेट, बट उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाता है, ग्रेट, नहीं आता तो कोई बात नहीं, बाकी जिनको आता है उनके लिए एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आई विल बी टेलिंग तुम्हें एवरेज की इक्वेशन भी लिख के दिखा दिया करूँगा,
but morely like we're gonna solve with the help of division method. Okay, let's get started now. This is the CAT room 17 slot 1 question. An elevator has weight of 630 kg. It is carrying a group of people of whom the heaviest just a minute, I was just checking like recording is working or not. An elevator has a weight of limit, so elevator ki weight limit has 630 kg. It is carrying a group of people whom the heaviest weight, तो लाइक एलिवेटर की कैपेसिटी 630 है, उसमें लाइक कुछ नंबर ऑफ पीपल हैं, उनमें हैवीएस्ट जो है उसका वेट 57 है और जो लाइटेस्ट है उसका वेट 53 है. व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप. ओके, तो अगर नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप मैक्सिमाइज करने हैं तो बोला गया कि लाइटेस्ट वाले ज़्यादा करने होंगे ना. अगर हमें मैक्सिमाइज करना है नंबर ऑफ पीपल तो हमें लाइटेस्ट वाला मैक्सिमाइज करना होगा और हाई लाइक हैवीएस्ट वाला मिनिमाइज करना होगा. तो मिनिमाइज मतलब एक बंदा होना चाहिए, देयर विल बी वन पर्सन विद द वेट ऑफ 57, बाकी सारे 53 के कर देते हैं, है ना, मिनिमम वेट जो है. तो लाइक 57 अगर इससे मैं हटा दूं तो डेट इज 3, डेट इज 7, डेट इज 5. सो इतना वेट बच रहा है. दिस मच वेट कैन बी टेकन बाय जो लाइटेस्ट वाले 53. तो इसको अगर मैं 53 से डिवाइड करूँ कितना आएगा, 530 आ जाएगा, और 53 ऐड करोगे तो आगे निकल जाएगा 583. तो मतलब एक 57 वन वाला आ गया और 10 ये वाले आ जाएंगे, तो 1 + 10 आंसर हो जाएगा 11 पीपल कैन बी इन द ग्रुप. सो दिस इज द टिकटा क्वेश्चन, यू नीड टू टाइप 11 इन द गिवन स्पेस. सो आई थिंक दिस वाज इजी, दिस वाज नॉट अ डिफिकल्ट, दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन दैट इजिली कैन बी मैनेज. द एवरेज हाइट ऑफ 22 टॉडलर्स इंक्रीज्ड बाय 2 इंचेस व्हेन टू ऑफ देम लीव द ग्रुप. ओके, तो इसमें एवरेज की क्वेश्चन बना के सॉल्व कर सकते हैं, बट आई विल बी यूजिंग, आई थिंक मैं देखता हूँ डेविशन का अप्रोच हो जाएगा इसमें, आई विल बी यूजिंग डेविशन मेथड. इफ द एवरेज हाइट ऑफ दीज टू टॉडलर इज 1/3 ऑफ द एवरेज हाइट ऑफ द ओरिजिनल 22, ओके, देन द एवरेज हाइट इन इंचेस ऑफ द रिमेनिंग 20 टॉडलर्स. तो लाइक 22 लाइक बॉयज वॉट एवर, लाइक 22 चिल्ड्रेंस आर देयर, 22 टॉडलर्स आर देयर. अब अगर टू लीव कर जाते हैं, अगर टू लीव करता है तो देखो डिवीजन अप्रोच में इक्वेशन कैसे बनती है. ये राइट हैंड साइड है, ये एलएचएस है, यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनाते हैं, लाइक अब इसमें देखना मैं बनाऊंगा, टू ऑफ देम लीव द ग्रुप माइनस टू, बिकॉज दो ग्रुप को लीव कर रहे हैं, ठीक है, टू टॉडलर्स आर लीविंग द ग्रुप, दैट्स व्हाई माइनस टू. अगर ये ज्वाइन कर रहे होते तो प्लस टू होता, ठीक है, इन टू. अब इन टॉडलर्स का एवरेज क्या है, इन टॉडलर्स का डिवीजन क्या, डिवीजन क्या होता है, डिविशन होता है लाइक सपोज एवरेज का, एवरेज ग्रुप का एवरेज, लेट से यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इस डेटा से कोई मतलब नहीं है, जस्ट मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि डिविशन क्या होता है. लेट से ग्रुप का एवरेज 30 है और लेट से लाइक पर्टिकुलर दो स्टूडेंट का या फिर दो तीन लोग अलग कर लिए, लाइक सपोज 10 लोगों का ग्रुप है और बाकी बचे 7, पूरा 10 का एवरेज 30 है और लेट से 3 लोगों का एवरेज 20 है. तो इन तीन लोगों का डेविएशन क्या होगा, 20 इनका जो एवरेज है माइनस ग्रुप का एवरेज, दैट इज माइनस 10, इनका डेविएशन होगा माइनस 10 का, दिस इज कॉल्ड द डेविएशन. तो यहां पर हम डेविएशन लिखेंगे, ठीक है, यहां पर लिखे, ये साइन होगा प्लस माइनस, कितने अगर प्लस अगर ज्वाइन कर रहे हैं, माइनस अगर लीव कर रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं, दैट विल बी हेयर, एंड हेयर विल बी डेविएशन विद द साइन. जैसे अगर कम है तो माइनस 10, अगर तो अकॉर्डिंगली साइन आ जाएगा, ठीक है, डेविएशन का. सो ऐसे करके राइट हैंड साइड की इक्वेशन बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है. अब सपोज इन्होंने दो बोला, अब इसमें जैसे एक और, जैसे 10 थे तो मैंने एक 7 में और 3 में कर दिया था ब्रेक. अब सपोज एक और होता 10 में से, एक और ग्रुप है 2, है ना, तो ऐसे करके सबके अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, चलो वो आगे समझ में आएगा. अभी ये क्वेश्चन करते हैं. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लेट से इसका एवरेज कुछ पता है हमें, नहीं पता है ना, तो लेट से इसका डेविएशन जो है वो डी है, साइन ऑटोमेटिक आ जाएगा, डेविएशन डी ले लेते हैं. अब क्या होगा, अब इस साइड क्या लिखते हैं, टू ऑफ देम इंक्रीजेस बाय टू. अब कितने से एवरेज में चेंज आ रहा है, अगेन विद द साइन, और फाइनल नंबर कितने हो रहे हैं, 22 थे, 2 चले जाएंगे तो फाइनल नंबर 20. तो ये डी कितना आ जाएगा हमारा, माइनस 20. मतलब जो दो टॉडलर हैं जो ग्रुप से निकाले जा रहे हैं उनका जो डेविएशन है वो माइनस 20 है, मतलब वो एवरेज से उनका 20 कम है. ओके, इफ द एवरेज हाइट ऑफ दीज टू टॉडलर, तो लेट से
एवरेज हेड है तो ओरिजिनल 22, तो एवरेज जो ओरिजिनल था उसका एवरेज ले लेते हैं ए, है ना, स्मॉल ए ले लेते हैं, एवरेज स्मॉल ए, ये जो 22 टॉडलर्स है इनका एवरेज ए है। तो अब तुम्हारे ये जो दो टॉडलर है इनका एवरेज कितना हो जाएगा, इनका एवरेज हो जाएगा, डेविएशन तुम्हारा होता है कि लाइक जो टू टॉडलर्स हैं है ना, टी टू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, माइनस है ना, दिस इज, नहीं नहीं यहाँ पर ए ही आएगा ना एवरेज, और ये माइनस 20, आई होप यहाँ तक क्लियर है। वैसे नॉर्मली भी कर सकते हो, आई थिंक नॉर्मली भी इसमें ज़्यादा, देखो डेविएशन अप्रोच वहाँ पर हेल्पफुल होता है जहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा हो, यहाँ पर आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, ठीक है, तो यहाँ पर हेल्पफुल है बट इतना बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा अगर तुम नॉर्मल अप्रोच से सॉल्व करो डेविएशन से सॉल्व करो, ठीक है। हाँ तो इसका लाइक अगर इसका एवरेज ए है तो इसका 20, इसका ए माइनस 20 हो जाएगा, है ना, सिंपल 20 कम होगा, वो क्या ही सोचना कि लाइक इनका क्या है, तो टी का जो दो टॉडलर्स हैं उनका एवरेज हो जाएगा ए माइनस 20। अब क्या बोल रहा है कि लाइक एवरेज हाइट ऑफ दीज टू टॉडलर इज 1/3 ऑफ द एवरेज हाइट ऑफ द ओरिजिनल, ओरिजिनल के इतना है 1/3, ठीक है, तो दैट इज 3a - 60 इक्वल टू ए, दैट इज 2a 60, ए इक्वल टू 30, ए 30 आ जाएगा, ए मतलब ग्रुप का एवरेज 30 है, रिमेनिंग 20 डॉलर, तो जब इन दो को हटा दिया जाएगा तो ग्रुप का एवरेज क्या होगा, 30 है ऑलरेडी और यहाँ पर कितना बताया 2 से इंक्रीज कर जाएगा तो 32 हो जाएगा अगर 2 को हटा दोगे, ठीक है। अगेन आई थिंक दिस वाज इजी क्वेश्चन, जस्ट मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए इतना टाइम ये सब बताने में लगा, अगर तुम्हें डिवीजन आता है तो बहुत ही जल्दी सॉल्व कर पाओगे, अगर नहीं आता है तो लेट से लाइक नॉर्मल इक्वेशन से वही कोई, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, सिंपल इक्वेशन बनेंगे एंड विल बी एबल टू सॉल्व। डेफिनेटली डेविएशन में तुम्हें देखो कोई कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं आया, उसमें थोड़ा सा लिटिल कैलकुलेटिव हो जाएगा, जितने ज़्यादा नंबर डिफिकल्ट होते जाएंगे उतना ज़्यादा डेविएशन अप्रोच आसान होता जाएगा और नॉर्मल अप्रोच डिफिकल्ट होता जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन अगर तुम्हें नहीं आता बेसिक इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बट अगर आता है तो मेक श्योर कीप प्रैक्टिसिंग, ऐसा नहीं कि लाइक छोड़ दिया है ना कि लाइक ये, तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स। अ कैट एस्पिरेंट अपीयर फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ टेस्ट, हिज एवरेज स्कोर इंक्रीजेस बाय 1 इफ फर्स्ट 10 टेस्ट आर नॉट कंसिडर्ड, कि सर्टेन नंबर ऑफ टेस्ट वी डोंट नो हाउ मेनी टेस्ट, हिज एवरेज स्कोर इंक्रीजेस बाय 1 इफ 10 टेस्ट आर नॉट कंसिडर्ड, अगेन आई विल बी यूजिंग डेविएशन अप्रोच, एंड डिक्रीजेस बाय 1 इफ द लास्ट 10 आर नॉट कंसिडर्ड, लास्ट 10 टेस्ट आर नॉट कंसिडर्ड, तो लाइक फर्स्ट 10 एंड लास्ट 10, ठीक है, इफ इज एवरेज स्कोर ऑफ द फर्स्ट 10, तो लाइक फर्स्ट 10 लेते हैं, फर्स्ट 10 का एवरेज दिया हुआ है तुम्हें 20, एंड लास्ट 10 का भी, लास्ट 10 को एल से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इनका एवरेज है दिस मच, तो ये एवरेज लिखा हुआ है फर्स्ट का और ये एवरेज लास्ट का, एंड एन का एवरेज हमें पता है, नहीं पता, लेट्स टे एक्स, अच्छा एन और एक्स सेम हो जाता है मेरा, कोई नहीं एक्स लेते हैं इसको, ये एन है, ठीक है। नाउ टोटल नंबर ऑफ टेस्ट टेकन बाय हिम, टोटल टेस्ट निकालने हैं, तो लेट्स राइट द डिवीजन अप्रोच, तो हिज एवरेज स्कोर इंक्रीजेस बाय 1, अगर पहले 10 तुम कंसीडर नहीं करोगे, अगर पहले 10 हम कंसीडर नहीं करते हैं तो लेट्स से पहले 10 कंसीडर लाइक माइनस 10 एंड इसका डिवीजन, इसका डिवीजन अभी लिख लेते हैं, ओके लेट्स राइट इट इक्वल्स टू, अभी एक मिनट रुक जाओ, अभी लिखता हूँ उसका, इंक्रीजेस बाय वन और यहाँ पर कितना आ रहा है, कितने थे नंबर एन माइनस टेन, ठीक है, और ये तुम्हारा एवरेज दिया हुआ है, और तो डेविएशन कितना आ जाएगा, डेविएशन तुम्हारा क्या होता है लास्ट फर्स्ट का ना 21 - x आ जाएगा, फाइन, आई होप दिस इज क्लियर। देन नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो रहा है, अगेन 10 को हटाया जा रहा है और इसका डेविएशन होगा 30 - x इक्वल्स टू डिक्रीजेस बाय वन, सेम चीज़ है डिक्रीजेस बाय 1, ओके, अब इन दो इक्वेशन को ऐड कर दें, ये कैंसिल हो जाएंगे तो इधर 0 आ जाएगा और इधर तुम्हारा आएगा -10 20 - x, ऐड किया है तो माइनस ही रहेगा, -10 30 - x, तो प्लस कर लेते हैं,
दिस इज 20 - 6। अगर मैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करूँ तो लेट मी नो, लाइक कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल पिन दैट कमेंट। ठीक है, हो सकता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए मुझसे। 50, तो x कितना आ गया, x 25 आ गया। वॉट वॉज x, x वॉज द एवरेज, x 25 आ गया। निकालना क्या हमें, टोटल नंबर ऑफ सर्टेन टेस्ट। तो x की वैल्यू यहां पर रख देंगे, n का वैल्यू आ जाएगा, n वी नीड टू फाइंड। तो x की वैल्यू लेट्स पुट इट हियर, तो -5 एंड n -10, सो दिस इज 50, n -10, n इक्वल्स टू 5 + 10 = 60। ठीक है, सो दिस इज द लाइक डेविएशन अप्रोच, वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई थिंक थोड़ा सा ये क्वेश्चन, इट वॉज नॉट एज इजियर एज अर्लियर वन, लाइक आई थिंक ये भी आसान था काफ़ी, ये भी आसान था। दिस इज अ लिटिल बिट, थोड़ा सा तुम्हें सोचना पड़ेगा, बिकॉज डेटा इज नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना, यू नीड टू थिंक अब इट एज कम्पेयर टू लास्ट टू क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। इन एन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स द नंबर ऑफ पीपल इज 51 ईयर्स एंड अबो, नंबर ऑफ पीपल 51 ईयर एंड अबो, इट्स 30, ये कितने लोग हैं, 30 लोग हैं, ये कितने लोग हैं, 30, एंड ये नंबर ऑफ पीपल हैं और ये एज, ठीक है, एटमोस्ट 39, मैक्स टू मैक्स, एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम 39, 39 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 39 से कम हो सकते हैं, उस एज आर बिलो 51, जिनकी एज बिलो 51 है, तो ये ग्रेटर हैं और ये बिलो 51, ठीक है, ये मैक्सिमम 39 हो सकते हैं, लाइक मैक्स टू मैक्स 39, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 39। द एवरेज ऑफ ऑल द पीपल इन दैट अपार्टमेंट इज कॉम्प्लेक्स, ओके। तो अब ये देखो एलिगेशन टाइप का हो रहा है, लाइक दो चीज़ों को मिक्स करके एवरेज आ रहा है, तो 38 आ रहा है। वट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल एवरेज इन ईयर्स ऑफ द पीपल हुज एज इज 51 ईयर्स एंड बिलो। अच्छा, ये वाले एग्जैक्ट दिए हुए हैं ना, अबो 30 है, तो बन गया तुम्हारा उसका एलिगेशन का। अब इसमें क्या है निकालना, क्या है हमें ये निकालना है, ये कितने लोग होंगे, है ना, नहीं, ये नहीं निकालना है, हमें निकालना है व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल एवरेज, ये वी हैव टू फाइंड, एक मिनट, वी हैव टू फाइंड लार्जेस्ट पॉसिबल एवरेज, लार्जेस्ट पॉसिबल एवरेज 51 से अच्छा कम होना चाहिए, तो क्या 51 हो सकता है ना, ये चीज हमें देखनी है। तो अब एक चीज देखो, अगर हमें ये मैक्सिमाइज करना है, इफ यू वांट टू मैक्सिमाइज दिस थिंग, और एवरेज फिक्स है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मिनिमम ले, इसको मिनिमम ले तभी तो मैक्सिमाइज होगा। इसका मिनिमम कितना होगा, इक्वल टू कर दें सर 51, इसका मिनिमम कितना होगा 51, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है। अब देखो ये बोले 39, ये बोल रहे 39, एटमोस्ट 39, तो ये एटमोस्ट यहां पर रिडंडेंट डेटा है, लाइक मे बी एग्जाम में इसने लोग, लाइक ये मेरे स्लॉट में तो नहीं था 18, मैंने सेकंड स्लॉट दिया था, एग्जाम में लोगों को इसने कंफ्यूज डेफिनेटली किया होगा, लाइक बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज किया होगा कि एटमोस्ट इसका मतलब क्या है, है ना, एटमोस्ट का मतलब पता है, बट यहाँ पर इससे क्वेश्चन पे क्या फर्क पड़ रहा है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमें ये चीज मैक्सिमाइज करनी है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि इसको मिनिमाइज करेंगे तभी तो एवरेज मैक्सिमम, इट्स नॉट लाइक दैट, अगर वो कर दोगे तो ऐसे तो इसे जीरो ले लो, है ना, तो ये 39 रहेगा, इससे कोई एटमोस्ट ये रिडंडेंट डेटा, अगर आई थिंक ये सिंपली 39 पीपल लिख देता तो आसानी से तो बहुत सारे लोग सॉल्व कर लेते, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डेटा इट बिकम डिफिकल्ट, लाइक बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, ओके, एनीवे, तो जस्ट अब सॉल्व करते हैं सर, तुम्हारा ये निकालना है, वी नीड टू फाइंड दिस थिंग एक्स, सो 51 एंड 38 कितने का डिफरेंस है, 13, ये नंबर अगर 13 है और 13 3 जा, तो ये कितना हो जाएगा 10 3 जा, तो ये 10 आ गया, अगर ये 10 आ गया तो कितना आ जाएगा, ये इससे कम होगा, तो ये 28 आ गया, है ना, 28 इज द आंसर। दिस वॉज ऑल्सो आई थिंक डूएबल, जस्ट बिकॉज ऑफ बहुत सारे लोगों से ये इस वजह से नहीं सॉल्व होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एटमोस्ट, है ना, अदरवाइज दिस इज मैनेजेबल। रमेश एंड गौतम आर अमंग 22 स्टूडेंट्स हु राइट एन एग्जामिनेशन, रमेश स्कोर, रमेश का स्कोर डायरेक्ट दिया हुआ है, तो लेट्स राइट इट दिस थिंग, रमेश का स्कोर 22 स्टूडेंट इंक्लूडिंग रमेश एंड गौतम, ठीक है, द एवरेज स्कोर ऑफ 21 स्टूडेंट अदर देन गौतम,
22 से अगर हम रमेश को सबट्रैक्ट नहीं गौतम को सबट्रैक्ट कर दें तो एवरेज है 62. फाइन, द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल 22 स्टूडेंट इज वन मोर देन द एवरेज स्कोर ऑफ 21 स्टूडेंट अदर देन रमेश. ओके, तो आई थिंक लाइक क्वेश्चन माइट भी आसान बट लैंग्वेज ऐसी लिख रखी इट सीम्स टू बी लाइक डिफिकल्ट है ना. इट सीम्स टू बी डिफिकल्ट माइट बी लाइक देखते हैं क्या है बट लैंग्वेज इसमें थोड़ा सा ट्विस्टेड दे रखी है. लाइक इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस थिंग दे कैन राइट स्ट्रेट फॉरवर्ड बट थोड़ा सा लैंग्वेज को ट्विस्ट कर दिया. देखते हैं, देखो इसको कुछ इसको रिफ्रेस कर सकते हैं. द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल 22 स्टूडेंट्स इज वन मोर देन द एवरेज स्कोर ऑफ 20 स्टूडेंट्स अदर देन रमेश. तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि लाइक 22 स्टूडेंट्स हैं तो इसमें ये इसको अब देखो जो मैं बता रहा हूँ इसे समझना. ये दोनों स्टेटमेंट सेम है जो मैं बोल रहा हूँ. अगर वैसे लिखा होता तो आसान हो जाता समझना. ये बोल रहा है कि अगर रमेश को हटा देंगे इफ़ वी रिमूव द रमेश जो एवरेज है वो वन से डिक्रीज कर जाएगा. सेम स्टेटमेंट है. अगर ये लिखते तो आई थिंक समझना आसान रहता. एवरेज स्कोर ऑफ ऑल 22 स्टूडेंट इज वन मोर देन 22 स्टूडेंट हैं इनका एवरेज स्कोर सपोज एक्स प्लस वन है और वहीं अगर रमेश को हटा दोगे तो एवरेज एक से घट जाएगा. अगर ये लैंग्वेज लिखी हो तो समझना आसान होता है ना. आई होप एवरीवन विल एग्री. सो जस्ट लैंग्वेज को ट्विस्ट किया नथिंग एल्स. तो लेट्स सी. तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक और कुछ दिया है. एक डेटा हमें एग्जैक्ट दिया हुआ है बाकी सारा हमें निकालना है. हमें निकालना है गौतम का स्कोर. रमेश का स्कोर पता है. तो क्या करते हैं अगर मैं रमेश को हटा दूं. आई एम रिमूविंग रमेश फ्रॉम द ग्रुप है ना. तो लेट्स से ग्रुप का एवरेज कुछ पता है नहीं पता. ग्रुप का एवरेज लेट्स से ए है. ग्रुप का एवरेज ए है. तो अगर मैं रमेश को यहाँ से हटा दूं इफ आई रिमूव द रमेश तो लेट्स से रमेश का जो एक पर्सन हट रहा है ना और रमेश का लेट्स से डेविएशन है तुम्हारा ग्रुप का एवरेज पता तो इससे नहीं. लेट्स से रमेश का ये है डेविएशन. आर डेविएशन की जगह डायरेक्ट लिख लेते हैं ना. लेट्स राइट इट यहाँ पर डेविएशन डायरेक्ट लिख लेते हैं आर की जगह. एक अननेसेसरी अननोन आ जाएगा. तो डेविएशन क्या होता है लाइक रमेश का स्कोर माइनस एवरेज है ना. दिस इज इक्वल टू साइन ऑटोमेटिक आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू रमेश के जाने से एक डिक्रीज कर जाता है ना वन मोर देन एवरेज डिक्रीज कर जाता है. फिर बचते कितने लोग हैं 21. सो दिस इज 82.5 माइनस 21 ए. ए क्या है ग्रुप का एवरेज निकल आया. अब तो ये कितना होगा 21 + 5 = 161.5. तो ग्रुप का जो एवरेज है डेट इज 61.5. नाउ लेट्स कम टू दिस. द एवरेज स्कोर ऑफ 21 स्टूडेंट अदर देन गौतम इज 62. अब क्या बोला है कि अदर देन गौतम इज 62. जो 22 लोग हैं द एवरेज स्कोर ऑफ 21 स्टूडेंट अदर देन गौतम. तो अगर गौतम को मैं हटा दूं इफ आई रिमूव गौतम तो लेट से वन और गौतम का स्कोर जी हमने ले रखा है ऑलरेडी. तो लेट से ये आ गया जी माइनस और एवरेज स्कोर कितना हमें पता चला 61.5. तो डेविएशन होगा. द एवरेज स्कोर 20 वन मोर देन स्टूडेंट अदर देन इज 62. ठीक है. अब इससे चेंज क्या आ रहा है एवरेज पर. अच्छा 62 हो जा रहा है ना. इससे इतना हो जा रहा है. तो कितने का चेंज आ रहा है 0.5 का. और फाइनली कितने लोग बच रहे हैं. एक चला जा रहा है 21. ठीक है. तो ये 21 ये इंक्रीज है डिक्रीज है. इंक्रीज है. ठीक है. सो जी माइनस 61.5 इस माइनस को इधर कर देते हैं. डेट इज माइनस 10.5. सो जी इक्वल्स टू 61.5 माइनस 10.5 डेट इज 51. सो 51 इज द आंसर. अच्छा ये क्वेश्चन आई थिंक वॉज नॉट डिफिकल्ट. लाइक अगर ये लैंग्वेज थोड़ा आसान लिखते लैंग्वेज ने जैसे इसको डिफिकल्ट बना दिया थोड़ा सा. अदरवाइज इजियर था. अगर सपोज ये स्टेटमेंट पहले दिया हो और स्टेटमेंट सिंपल फॉर्म में लिखा हो अदर देन ऐसे जैसे मैं तुम्हें एक्सप्लेन किया
अगर स्टेटमेंट इससे पहले दिया हो, ये वाला स्टेटमेंट बाद में दिया हो और लैंग्वेज सिंपल हो, तो दिस इज द लाइक इजी क्वेश्चन। बट अदरवाइज ये मीडियम और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है, मीडियम डिफिकल्ट। अगर अदरवाइज अगर लैंग्वेज सही से और प्रॉपर ऑर्डर में लिखी होती तो दिस वॉज द इजी क्वेश्चन। ओके लेट्स सी दिस वन। 19 स्लॉट टू एवरेज हाँ ये मैंने दिया था। एवरेज ऑफ 30 इंटीजर्स इज 5, 30 इंटीजर्स का एवरेज 5 है। अमंग दीज 30 इंटीजर्स देर आर एग्जैक्टली 20 विच डू नॉट एक्सीड 5। तो 30 को इन्होंने दो में डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ इंटीजर्स को, ये एवरेज है। एक तो 20 वाला और दूसरा 10 वाला। अब 20 नंबर्स हैं जो 5 से कम या 5 हैं। हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एवरेज ऑफ दोज 20 इंटीजर्स, इनकी हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। अब एक चीज है इसमें जो मुझे सोचना पड़ा था उस टाइम भी कि एग्जैक्टली ये चीज है, ये एग्जैक्टली है। तो ये नंबर जो तुम्हारे हैं, ये जो नंबर हैं 10, ये तुम्हारे 5 से बड़े होंगे, क्योंकि अगर 5 के अंदर जैसे आएंगे या फिर 5 आएंगे तो ये एग्जैक्टली 20 नंबर नहीं रहेगा, ठीक है। एग्जैक्टली 20 नंबर नहीं रहेगा, ठीक है। एग्जैक्टली 20 नहीं रहेगा अगर ये वाली, अगर अगर यहाँ पर एक भी नंबर 5 है, 5 से कम हो जाएगा, तो ये नंबर सारे 5 से बड़े होंगे। और अगर 5 से बड़े होंगे तो एवरेज क्या होगा, नेक्स्ट एवरेज अगर इंटीजर्स हैं तो 6 आएगा, क्योंकि सारे 666 लेने पड़ेंगे, एवरेज 6 हो जाएगा। तो ये 5 और 6 हो गया ना, ये 6। तो पूछ क्या रहे, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द 20 इंटीजर्स, तो इनकी हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है। तो अगर 30 है तो लाइक अगर डेविएशन से भी कर सकते हैं, एलिगेशन से भी कर सकते हैं, नॉर्मल से भी कर सकते हैं, लेट्स डू इट नॉर्मल। 150 आ गए, है ना, 150 आ गए, सम टोटल 150 होगा और यहाँ से 60 हट जाएंगे, बचेगा कितना 90, 90 के लिए कितने 20 नंबर्स, एवरेज कितना हो गया 4.5 आंसर, है ना। तो इसे लाइक एवरेज, तो वही मैं कह रहा हूँ तुम्हें आनी हर चीज़ चाहिए। अब वो तुम्हें देख के, जैसे यहाँ पर अगर सपोज डिफिकल्ट कैलकुलेशन होते हैं, 30 × 5 आसान है, अगर सपोज ये होता 37.75 × 32, है ना, देन आई विल यूज़ द डेविएशन। बट कैलकुलेशन देखने मुझे आसान लगी, तो लेट्स प्रोसीड विद द लाइक नॉर्मल, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके लेट्स सी द नेक्स्ट वन। तो ये वाला इजी था, दिस वाज इजी वन। लेट्स सी दिस वन। लेट ए बी सी बी द 3 पॉजिटिव इंटीजर सच दैट सम ऑफ ए एंड बी, सम एंड सम ऑफ ए एंड द मीन ऑफ बी सी इज 5। ओके तो ए को ए ले लेते हैं एंड मीन ऑफ बी सी, मीन ऑफ बी सी इज 5। ओके द सम ऑफ B and mean of AC, sum of B and mean of AC, mean of AC it's 7। ये तो वहाँ 7 है, okay। तो ये अब निकालना क्या है, sum of AB, AB का sum निकालना। पहले equation simplify कर लेते हैं, that is 2A plus B plus C 10, 2B plus A plus C equals to 7, है ना, and सम निकालना है। अगर मैं इसको ऐड करूं तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐड करके तो कुछ नहीं मिलेगा, सबट्रैक्ट करूं तो थोड़े नंबर्स कम हो जाएंगे। ओके सी सी कैंसिल हो जाएगा, अगर मैं सबट्रैक्ट करूं तो सी कैंसिल हो। ओके तो ए एंड ए एंड माइनस 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 बी इक्वल्स टू 3, ठीक है ना, ए माइनस बी 3 एंड सी कैंसिल हो गया। सो बेसिकली ये दीज आर द लाइक यू कैन से कैट में, तो बहुत बार कोई भी पेपर आई थिंक कैट का उठा के देख लो, मैं बोलता हूँ ना कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं हर पेपर में, तो दिस इज द वन ऑफ द थिंग, ये उनमें से एक चीज़ है। मतलब तुम कैट का कोई भी पेपर देख लेना, दिस इज बेसिकली अ स्पेशल इक्वेशन, ठीक है। इसमें लाइक देखो 3 अननोन है और 2 इक्वेशन है और तुम्हें वैल्यू निकालनी है, तो इसका एक सॉल्यूशन नहीं आएगा। मे बी एक लाइक एग्जैक्ट दिया हुआ तो एक ही सॉल्यूशन होगा, बट यू नीड टू फिगर आउट दैट फ्रॉम पॉसिबिलिटीज, उन पॉसिबिलिटीज से तुम्हें फिगर आउट करना है। जैसे ये देखो एक कंडीशन दिया पॉजिटिव इंटीजर्स, वो पॉजिटिव होने चाहिए, ये कंडीशन लगा के तुम एक पॉसिबिलिटी निकालोगे दैट विल बी द आंसर। तो ये लाइक कैट, अब देखो ये तो सबने यहाँ तक सबने सॉल्व कर लिया होगा, इसके बाद पीपल गेट स्टक कि अब क्या कर रहे हैं ना, तो दैट इज द स्पेशल इक्वेशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान आसान से क्वेश्चन लाइक
क्वेश्चन में पूरा देखो, कोई भी कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं, कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट दिस इज द स्टेप दैट यू मे गेट स्टक। लाइक इस स्टेप पे तुम स्टक हो जाओगे कि अब क्या करें, दो एक क्वेश्चन है ना, कैसे गेस करें। लाइक सम पीपल मे स्टार्ट गेसिंग, गेस नहीं, गेस नहीं करना, दिस इज द एग्जैक्ट, देखो कैसे करते हैं। अब इसकी वैल्यू कहीं पर भी रख देते हैं, ए की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, हमें निकालना है ए बी ना, हाँ, तो ए की वैल्यू यहाँ पर रखें तो आसान रहेगा, यहाँ पर टू हो जाएगा, कोई किसी में भी रख दो, बल्कि हमें जस्ट दो इक्वेशन बनानी है, लाइक एक इक्वेशन बनानी है टू वेरिएबल की, लाइक सी को एलिमिनेट करना है जस्ट, मतलब एक को एलिमिनेट कर देना है किसी एक, तो बी प्लस थ्री, यहाँ पर हम ए को एलिमिनेट कर देते हैं, बी प्लस थ्री है ना, हाँ बी प्लस थ्री सेवन, दिस इज थ्री एंड आई होप सही लिख रहा हूँ मैं, बी प्लस थ्री थ्री फोर, तो दिस इज दिस। अब तुम्हें पता है ए बी सी तीनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो क्या ये जीरो हो सकता है? नहीं, सही है ना, थ्री और फोर, ये जीरो नहीं हो सकता है, ये वन होगा, अगर बी वन होगा तो सी भी वन होगा ना, तभी फोर आएगा, इसके अलावा कुछ और हो सकता है? बिकॉज सबको पॉजिटिव होना, देर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। अब कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, तो बी सी की वैल्यू वन रख के ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। इफ आई पुट इट हेयर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर रख दो अगर इसकी, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई फोर, ए की वैल्यू अगर फोर आ गई, देन वी नीड टू फाइंड ए प्लस बी, डैट इज फोर प्लस वन, डैट इज फाइव, है ना। दिस इज ऑल्सो इजी, जस्ट वन थिंग दैट मे बी इट बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हेयर, दैट दिस इज अ स्पेशल इक्वेशन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये तुम्हें यहाँ पर एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा कि दो इक्वेशन सॉल्व कर ले और बी की वैल्यू निकल आई, यहाँ पर तुम्हें इसमें पॉसिबिलिटीज है ना, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो यहाँ पर एक कंडीशन भी पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव के लिए एक ही सॉल्यूशन है, जब बी इक्वल टू सी इक्वल टू वन। सो दिस इज द वे वी विल डील विद दिस क्वेश्चन। अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हें डेफिनेटली कोई ना कोई एक ईजी क्वेश्चन ईजी डेटा के साथ होगा, और उसमें जस्ट ये वाला कॉन्सेप्ट होगा डैट यू नीड टू सॉल्व द स्पेशल इक्वेशन, नीड टू फिगर आउट द सॉल्यूशन, ठीक है। तो मेक श्योर ये तुम्हें आना चाहिए कि लास्ट स्टेप पे जाके स्टक मत हो जाना। इन अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स द मीन ऑफ द लोवेस्ट 9 स्कोर्स इज 42 व्हाइल द मीन ऑफ द हाईएस्ट 9 स्कोर्स इज 47। तो 10 स्टूडेंट है, लोवेस्ट 9 स्कोर 42 है एवरेज, एंड द हाईएस्ट 9 का 47 है। फॉर द इंटायर ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट मैक्सिमम पॉसिबल और मिनिमम पॉसिबल का डिफरेंस निकालना है, ओके। सो दिस इज लाइक थोड़ा सा ये लाइक डिफिकल्ट हो सकता है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, लाइक इतना आसान नहीं है सॉल्व करना, आई थिंक लाइक जस्ट वही है डेटा थोड़ा सा इंक्रीजिंग, लेट्स राइट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, 1 2 3 4 5, लेट्स 10, ये 10 स्टूडेंट्स हैं, एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर, लाइक 1 का स्कोर सबसे कम है, 10 का सबसे ज़्यादा, तो लोवेस्ट 9 ये हो गए, लोवेस्ट 9 ही हो गए। अब इसको डेविएशन से भी ये डिफरेंस आई थिंक निकाल सकते हो, और इससे ही निकाल सकते हो, तो इससे ही देख लेते हैं डेविएशन से भी, अब वो भी मैं दिखा दूँ, डेट विल नॉट डिफर, दोनों ही सेम ही है, बहुत इसमें सेम टाइम लगेगा, कोई अलग टाइम नहीं लगेगा। ये मैंने हाईएस्ट ले लिया है ना, एक बार लोवेस्ट बोला, एक बार हाईएस्ट बोला, इसका 42 है और इसका 47 है। अब देखो इसमें कॉमन पार्ट है ये 2+x, जो डेविएशन हटा देता है कॉमन पार्ट, है ना, तो इसको x ले लेते हैं, तो लाइक फर्स्ट टर्म प्लस एक्स, एक्स क्या है, इन सारे टर्म्स का सम है, ठीक है, सम है टोटल, ये 42 इंटू 9 है। सेकंड क्या हो जाएगा, इसमें 10 इंक्लूडेड है, 10 47 इंटू 9, तो अगर इसका अगर हम डिफरेंस करते हैं, तो t10 माइनस t1 7 टू 5 9 45, तो t10 इक्वल्स टू 45 प्लस t1, तो t1 को अगर हम a ले लेते हैं, तो ये a प्लस 45 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हो जाएगी, ये कैलकुलेशन तुम डेविएशन से भी करोगे तब भी सेम ही आएगी, उससे भी आसानी है, बिकॉज ये कॉमन पार्ट डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा डेविएशन में अगर करोगे, और यहाँ पर जस्ट तुम्हें देख के करना, ठीक है। नाउ अब मैक्सिमम पॉसिबल मिनिमम पॉसिबल दो स्कोर निकालने हैं, तो दो स्कोर ऐसे निकाल लेते हैं। अब क्या करना है, देखो इन सबको मैंने क्या कर दिया, एवरेज 42 है, तो मैंने सारे 42 ले लिए, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 45 एक्स्ट्रा है, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 45 बाई 10, तो इसका एवरेज हो जाएगा 46.5, ठीक है, ये तुम्हारा एक एवरेज आ गया। अब देखते हैं ये वाला एवरेज, अब इसमें क्या करना, तुमने ये सारे ले लिए कितने, 47, बिकॉज एवरेज 47, तो हर एक नंबर 47 होगा। अगर ये तुम्हारा 47 है,
ये तुम्हारा इसका डिफरेंस 45 होगा, तो ये तुम्हारा कितना 2 होगा, 2 मतलब तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा 47 माइनस कितना 45 है ना, 45/10, तो इसका एवरेज 47 माइनस 4.5, तो ये कितना 42.5, तो ये मैक्सिमम हो गया या मिनिमम हो गया डिफरेंस 42.5, 46.5, दैट इज 4 इज द आंसर। ठीक है, थोड़ा सा लाइक इसको मैनेज एग्जाम में करना डिफिकल्ट होगा, अदरवाइज इट्स डूएबल। ठीक है, डिक इज 3 ईयर थ्राइज एज ओल्ड एज टॉम एंड हैरी, सो देर आर 3% टॉम डिक हैरी, इट्स ट्वाइस एज ओल्ड एज डिक। तो ये अगेन जैसे हमने रेशियो वाले में क्वेश्चन किया था ना कि लाइक इनका पहले वो निकाल लो रेशियो क्या, डिक इज थ्राइज ओल्ड एज टाइम टॉम, डिक इज थ्राइस, तो दिस इज थ्राइस एज टॉम, हैरी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज डिक, तो दिस इज 6 राइट। तो ये तो सिंपल रेशियो दिया, मुझे लगा शायद कॉम्प्लिकेटेड हो, सिर्फ सिंपल। इफ डिक्स एज इज 1 ईयर लेस देन द एवरेज ऑफ ऑल थ्री, एवरेज ऑफ ऑल थ्री 10/3, एंड ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, डिक्स एज इज 1 लेस, डिक्स की एज 1 लेस, तो बहुत ही लाइक दिस वॉज द इजी क्वेश्चन। तो ये x और x इक्वल टू 3 आ गया, सॉल्व हो गया, निकालना क्या, हैरीज एज इन ईयर्स, हैरीज एज 3 ईयर्स, हैरी की निकालनी 18, सॉरी हैरी की निकालनी तो 18, टीटा क्वेश्चन है, नीड टू टाइप है ना, आसान है, इसमें तो कुछ और तो कुछ है नहीं। सो अ बैट्समैन प्लेड n+2 इनिंग्स एंड गॉट आउट ऑल ऑन ओकेजन्स, हिज एवरेज स्कोर इन n+2 इनिंग वॉज 29 रन्स एंड ही स्कोर 38 एंड 15 रन इन द लास्ट इनिंग्स, सो n+2 इनिंग्स उसने खेली है एंड ओवरऑल एवरेज 29 है एंड n का कुछ एवरेज है एंड लास्ट टू इनिंग ये है, लास्ट टू इनिंग और दिस, ओके, द बैट्समैन स्कोर लेस देन 38 इन ईच ऑफ द फर्स्ट 10 इनिंग, फर्स्ट 10 इनिंग में स्कोर जो है वो 38 से कम है ना, लेस देन 38 है, इन दिस n इनिंग, इन n इनिंग में एवरेज स्कोर वॉज 30, एवरेज स्कोर 30 था, ओके 30, तो n की वैल्यू निकालनी है हमें पहले, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल x निकालना है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो हिज एवरेज स्कोर वॉज दिस, अच्छा लोवेस्ट स्कोर निकालना है उसके स्टार्टिंग n इनिंग्स में, ठीक है, तो 30 एवरेज इधर है n इनिंग का, 2 इनिंग का एवरेज कितना है इसका, और फिर 43, 53, 53, 26.5, और ओवरऑल n+2 इनिंग्स का एवरेज इतना है, और ये तुम्हारी 2 इनिंग्स है, ये वैल्यू निकल आएगी है ना, दिस इज 1 एलिगेशन का यूज करके, दिस इज 2.5, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5, तो ये तुम्हारे n मैचेस और ये 2 मैचेस, तो n नंबर ऑफ n की वैल्यू क्या है 5, सो 5 मैचेस, सो 5 मैचेस है और एवरेज कितना है, तो लाइक नॉर्मल एवरेज यूज कर लेते हैं, 5 इनिंग्स हैं और एवरेज 30, तो टोटल 150 आ जाएगा, और इसमें 38 स्कोर नहीं हो सकता है, 38 से कम होना चाहिए और एक को मिनिमाइज करना है ना, लोवेस्ट स्कोर एक्स, इन 5 इनिंग में से 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 इनिंग में से इनका सम 150 है और मैक्सिमम 37 हो सकता है, तो मैक्सिमम कर देंगे तो एक बचा, मिनिमाइज हो जाएगा, वही हमें निकालना है, प्लस एक्स, तो दिस इज 37 4 जा 120 148 और 2, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2, सो 2 कैन बी द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, सही है, इन इज एवरेज स्कोर, हाँ दिस इज फाइन, ओके। ओनियन इज सोल्ड फॉर 5 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 25, 25 एंड 50 पर के जी, तो 5 मंथ्स का ओनियन का प्राइस है पर के जी 10, 20, 25, 25 एंड 50, अ फैमिली स्पेंड्स अ फिक्स्ड अमाउंट ऑन ओनियन ऑन ईच ऑफ दीज फर्स्ट 3 मंथ, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ, तो पहले 3 मंथ के लिए एवरेज एक्सपेंस लाइक सेम रहेगा, अच्छा एक्सपेंस सेम रहेगा, क्वांटिटी मतलब चेंज होती रहेगी, ये क्या है प्राइस है, एक्सपेंस सेम रहेगा, ठीक है क्वांटिटी अभी नहीं पता हमें, एक्सपेंस सेम रहेगा एंड देन स्पेंड्स हाफ, तो अगर यहाँ पर एक्स हो तो उसका हाफ, ओके द एवरेज एक्सपेंसेस ऑफ द ओनियन इन द रुपीज पर के जी, तो ये तो लाइक आई थिंक दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, 5 मंथ्स का एवरेज निकालना है लाइक तुम्हें क्लोजेस्ट रुपीज पर के जी का, तो हम लाइक ये कुछ भी ले सकते हैं, दिस वी कैन टेक एनीथिंग, तो लेट से 50 लेते हैं, अगर इसे 50 50 लेते हैं है ना, कैलकुलेशन आसान रहेगा, तो ये 100 100 ये ट्वाइस है, तो
अगर ये एक्सपेंस है तो पर केजी कितना केजी है वो निकल आएगा, और फिर हमारा लाइक टोटल वो निकल आएगा कितना प्राइस होगा। तो यहाँ पर 10 केजी परचेज किया जा सकता है, 5 केजी, 4 केजी, 2 केजी, 1 केजी, तो टोटल कितने केजी परचेज किया जा सकता है, 11, 11, 22, और ये टोटल प्राइस कितना हुआ है, 300 एंड 400। तो दिस इज द आंसर। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, 200 एंड 200 का डेट इज 19, नहीं 18 पे 198 होता है, 11 into 18 into 198, दिस इज द आंसर। सपोज हॉस्पिटल ए एडमिटेड 21 लेस कोविड पेशेंट देन हॉस्पिटल बी एंड इवेंचुअली रिकवर्ड। तो ए और बी दो हॉस्पिटल हैं, ए एडमिटेड 21 लेस, तो अगर ये एक्स है तो ये एक्स प्लस 21 एडमिट करता है, ये नंबर ऑफ पेशेंट्स है दैट इज एडमिटेड। द सम ऑफ द रिकवरी डेज फॉर पेशेंट्स इन हॉस्पिटल ए एंड बी वर, तो टोटल रिकवरी करने में जो दिन लगे डेट वॉज 200, डेट वॉज 152। इफ द एवरेज रिकवरी डे फॉर द पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ए वॉज 3 मोर देन, एवरेज ए में जो था द सम ऑफ द, इफ द एवरेज रिकवरी डेज फॉर द पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ए वॉज 3 मोर, तो अगर यहाँ पर डी था तो यहाँ पर डी प्लस 3 होगा। अच्छा ये मैंने जानबूझकर लाइक ये दोनों एक साइड नहीं लिखे, एक साइड मुझे थोड़ा कंफर्टेबल रहता अगर मैं ऐसे कैलकुलेशन करता, मैंने इसको ऐसे देखो नहीं लिखा, मैंने इसको ऐसे नहीं लिखा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे कि लाइक इफ द एवरेज रिकवरी डेज फॉर पेशेंट एडमिटेड हॉस्पिटल ए वॉज 3 मोर, ए वॉज 3 मोर, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, है ना। बट ये क्या होता है कि दोनों साइड ऐसे मल्टीप्लीकेशन आ जाते हैं इसलिए मैंने नहीं लिया, मैंने एक साइड देखो ऐसा मल्टीप्लीकेशन रखा और एक साइड ऐसा, लाइक वेन एवर आई डू कैलकुलेशन आई फाइंड इट इजियर, सो आई विल डू टी प्लस 3 एंड डी, ठीक है ना। प्लीज अब ये टोटल दिया हुआ है, टू इक्वेशन टू अननोन, यही तो है टू इक्वेशन टू अननोन, सो एक्स डी प्लस 3 इक्वल टू 200 डेज। आई होप मैंने इक्वेशन सही लिखा है, विल चेक इट वंस, मुझे डाउट हो रहा है, एक्स प्लस 21 इक्वल्स टू 152, सो ठीक है ना। ये टोटल दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है ए और बी का, ए एडमिटेड 21 लेस, ठीक है, एवरेज रिकवरी पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ए वॉज 3 मोर, ए वॉज 3 मोर, ठीक है, दिस इज फाइन। सो एक्स डी प्लस 3x इक्वल टू 200, एक्स डी प्लस 21d इक्वल्स टू 152, सबट्रैक्ट कर दें, सबट्रैक्ट कर दें 8, तो दैट इज, हाँ ऐसे ही सबट्रैक्ट कर दें, 3x माइनस 21d एंड 48, तो लाइक 3 कैंसिल कर दो अभी, तो x माइनस 7d इक्वल्स टू 16, ओके। नाउ पुट दिस इन एनी ऑफ दिस इक्वेशन, किस इक्वेशन में रखना आसान रहेगा, अगेन आई विल ट्राई टू, मैं ऐसे मल्टीप्लीकेशन नहीं चाहता, जस्ट आई डोंट वॉन्ट दिस टाइप, आई वॉन्ट कि लाइक ऐसे वाला, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम, क्योंकि उसमें फिर 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 4 टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है, तो वो मैं अवॉइड, तो मैं अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखूँ तो आसान है ना, अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो आसान है, तो ये वाला मल्टीप्लीकेशन रहेगा, तो डी एक्स की वैल्यू 16 प्लस 7 डी प्लस 21 इक्वल टू 152, सो दिस इज 7d² एंड दिस इज 37d माइनस 152 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो 152 लाइक इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, नाउ वी आर डन विद डेट, इससे कुछ ठीक है, इसको भी इतना हटा देता हूँ, ये कैलकुलेशन डाउट, नाउ इसको सॉल्व करना, तो 152 इंटू 7, सो 152 को अगर ब्रेक करें तो टेबल कौन सा 19 8 जाओ 152 8 7 52 872, ठीक है 8 7 जाओ 56 19 37 आएगा क्या, ठीक है, सो 7d², सो बेसिकली कितना हो जाएगा 7d² प्लस 56d, वैसे ये इक्वेशन भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, बट ठीक है अगर तुम याद करना चाहो तो डायरेक्ट तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, यू डोंट नीड टू डू दिस थिंग, मतलब ये तो करना पड़ेगा बट ये इक्वेशन ऐसे लिख के नहीं करना पड़ेगा,
So this is 7, d, d plus 8 minus 19, d plus 8 equals to 0. तो d minus 8 तो होगा नहीं, है ना, तो d की वैल्यू हो जाएगी 19 by 7. अब हमें निकालना क्या था, नंबर ऑफ एडमिटेड इन हॉस्पिटल ए वॉज, नंबर ऑफ पेशेंट इन ए, नंबर ऑफ पेशेंट ये है, तो x की वैल्यू निकालनी है. तो d की वैल्यू कहाँ पर पुट करें जो आसान रहेगा, यहाँ पर पुट कर दें, तो इट इज 19, d की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, लेट्स पुट इट हेयर. और ये तो ये काम का नहीं है, x ही आंसर होगा ना हमारा, ये याद रखना है, ये अंडू होगा क्या, जस्ट लेट मी चेक, अंडू नहीं होगा, ठीक है, तो x ही हमारा आंसर होगा ना, x ही निकालना था हमें, आई होप x निकालना था. तो d की वैल्यू यहाँ पर 19 बाई 7 रख देंगे, तो डेट इज 19 8, जब तो 19 8 ये कैंसिल कर, 56 माइनस 21 दैट इज 5, दैट इज 35. सो यू नीड टू टाइप 35. आई होप कहीं पर यहाँ पर मैंने गड़बड़ ना किया हो. 35 इज द आंसर. फुटबॉल टूर्नामेंट, अ प्लेयर हैज प्लेड अ सर्टेन नंबर ऑफ मैचेस एंड 10 मोर मैचेस आर टू बी प्लेड. इफ ही स्कोर अ टोटल ऑफ 1 गोल ओवर द नेक्स्ट 10 मैचेस, सो लाइक n मैच हो चुके हैं, लेट्स से n मैचेस एंड 10 मोर मैचेस आर देयर, सो आफ्टर दिस विल बी द टोटल नंबर ऑफ मैचेस, इज ओवरऑल एवरेज विल बी 0.15. तो लाइक अगर वो नेक्स्ट 10 मैचेस में कितना 1 गोल करेगा, 1 गोल इज एवरेज स्कोर विल बी दिस वन, है ना, 10 मोर मैचेस इफ इज स्कोर टोटल 1 गोल, टोटल 1 गोल ओवर 10 मैचेस इज दिस विल बी द स्कोर, हिज ओवरऑल एवरेज. ऑन द अदर हैंड इफ ही स्कोर्स अ टोटल ऑफ 2 गोल्स, अगर वो 2 गोल करेगा ओवर द नेक्स्ट 10 मैचेस, हिज ओवरऑल विल बी 0.2. सो लाइक अगर वो 2 गोल करेगा तो उसका एवरेज इतना हो जाएगा. सो लाइक कितने का इंक्रीज है यहाँ पर, 0.05 का इंक्रीज है एवरेज में, अगर 1, है ना, एक गोल से इतना इंक्रीज आ रहा है, तो डेट इज इक्वल टू 0.05 इंटू एन नंबर ऑफ मैचेस, तो डेट इज कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा 20 आ जाएगा, एन तुम्हारा 20 आ जाएगा. अच्छा ये एन, दिस इज लाइक, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मैच, दिस इज एक्स, एक्स है, एक्स तुम्हारा 20 आ जाएगा, एक्स तुम्हारे टोटल मैचेस है, तो ये 10 बाद में हुए और 10 पहले हुए, तो दिस इज 10, 10 इज द आंसर, द नंबर ऑफ मैचेस ही हैज प्लेड ऑलरेडी, डेट इज 10. आई होप इट इज क्लियर, दिस वॉज प्रिटी इजी क्वेश्चन. अब देखो देखने में बड़ा लग रहा है, बट ये वन सिंगल लाइन है, ओरल क्वेश्चन है बेसिकली, इफ यू वांट टू सॉल्व दिस इज जस्ट अ ओरल क्वेश्चन. कैसे 0.05 का इंक्रीज है एक गोल से, अगर एक गोल का इंक्रीज आता है 0.05 का इंक्रीज है ना, और कितना हो जाता है 0.2 हो जाता है, 0.2 है ना, 0.2, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, डेट इज दिस इज द इक्वेशन, एक्स की वैल्यू 20 आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ मैचेस 20 हो जाएंगे, इज इट क्लियर. सो दिस इज द एवरेज एंड दिस इज जस्ट अ ओरल क्वेश्चन, इट सीम्स टू बी लाइक कितना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, लाइक मेनी पीपल जो वही ना, जो लोग बिना पढ़े क्वेश्चन स्किप करते हैं ना, लाइक तो ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, डेट विल बी स्किप, अगर तुम वैसे देखोगे लेंथ वाइज तो दिस सीम्स टू बी अ लाइक लेंथियर क्वेश्चन, है ना. ओके, अर्थमेटिक मीन ऑफ स्कोर स्कोर्स ऑफ 25 स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन इज 50, 25 स्टूडेंट अर्थमेटिक मीन है 50, 5 ऑफ दिस टॉप द एग्जामिनेशन, 5 जो हैं वो एग्जामिनेशन टॉप करते हैं विद द सेम स्कोर, तो इसको दो ग्रुप में कर दिया, 5 अब इनके स्कोर सेम है ना, लाइक टी 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 ये सारे टॉपर हैं, ये स्कोर्स हैं. इफ द स्कोर ऑफ अदर स्टूडेंट्स, अब इनके जो 20 है ना टॉपर के सेम है, अदर के डिस्टिंक्ट हैं, लोवेस्ट बिंग 30, तो सारे 30 से बड़े होंगे, 30 तो कितने 20, 31, 32, 33, 34 कितना 49 तक जाएगा, है ना, 30 से 49, 20 मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर ऑफ टॉपर, टॉपर का मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर कितना है, टॉपर का मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर, तो इसका एवरेज कितना होगा, इसका एवरेज 30, 49 डेट इज 79 डेट इज 39.5, इसका एवरेज 39.5 होगा, है ना. और अब एलिगेशन लगा दें, नॉर्मली भी कर सकते हो, एलिगेशन भी लगा सकते हैं, लेट्स एलिगेशन से कैलकुलेशन आसान पड़ेगा, तो ये तुम्हारा 39.5 है, और टॉपर का एवरेज निकालना है, ओवरऑल एवरेज कितना है 50 है, और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, ये 20 है और ये कितने हैं 5 है, ये 20 है और ये 5 है,
वन इज टू फोर से कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर वैसे देखें तो कितना आ रहा है, ये 39.5, दैट इज कितना है, 39.5, 10.5 है ना, 10.5। तो अगर ये 10.5 है तो इसका 4 टाइम्स होगा, इसका 4 टाइम्स होगा 42 होगा। अगर ये 42 है और ये इससे बड़ा होना चाहिए ना, ये इससे बड़ा होना चाहिए क्योंकि ये छोटा है, तो 8 नहीं होगा, यहाँ पर 8 कर दो गलत हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 92। तो ये टॉपर का एवरेज हो गया, सबका सेम है तो टॉपर का इसको 90। ओके, सो दिस वाज कैट 2021 स्लॉट 3। लास्ट क्वेश्चन, दिस वाज आल्सो लाइक इजी वन, आई डोंट थिंक दिस वाज डिफिकल्ट, कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। सो दिस आर ऑल द, कितने क्वेश्चन थे, 14 क्वेश्चन आई थिंक, दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम द एवरेज। अगेन आई ट्राई माई बेस्ट डैट ये सारे क्वेश्चन रहें जो लाइक एक ही टॉपिक एवरेज से ही रहें, मोस्टली सारे एवरेज के हैं। कॉन्सेप्ट डेविएशन और एलिगेशन का आई हैव यूज एट लॉट ऑफ प्लेसेज टू जस्ट सिंप्लीफाई अवर कैलकुलेशन, एंड तुमने देखा ही हो, तुम अगर तुम इसको सॉल्व करोगे खुद से यूजिंग द नॉर्मल कॉन्सेप्ट डैट मे बी अ लेंथियर क्वेश्चन, समटाइम कैलकुलेशन में फ्रस्ट्रेट अस, बट अगर इफ यू यूज डेविएशन एंड एलिगेशन, क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकते हैं। ओके, सो नाउ दिस इज द लाइक बोनस, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स इट फॉर टुडे, लेट्स नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। एंड फॉर मोर अपडेट्स रिगार्डिंग लाइक जब भी मैं कोई अपलोड करूंगा एंड ऑल द थिंग, यू विल गेट लिंक इन दिस टेलीग्राम चैनल, मेक श्योर ज्वाइन दिस, एंड कोई भी अनाउंसमेंट एनीथिंग देयर विल बी, आई विल लेट यू नो इन दिस टेलीग्राम चैनल, सो मेक श्योर ज्वाइन दैट। यू जस्ट नीड टू सर्च एट द रेट कैट रेस इन द टेलीग्राम, यू विल गेट दिस चैनल लिंक।